नमस्ते। तो आज हम एक कोड रीडिंग करने वाले हैं और आज हम रीडिंग करने वाले हैं इस डेक से। ठीक है, इस डेक का नाम है मिस्टिक मंडेज टैरो। ठीक है, पहले हम इसको बावर चार्ज करेंगे। ठीक है, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, इसको बावर चार्ज करने की बहुत ज़रूरत है। तब तक आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। ओके, इस डेक के बाद हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ये है मिस्टिकल ओरेकल। ठीक है, तो देखते हैं, आपको लाइक ज़रूर करना है ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। स्पेस गाइड कीजिएगा। सबसे पहला कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है और यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सोर्स। ठीक है, ये जो कोई भी व्यक्ति है इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है पता नहीं, ये एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मतलब खुद तो उंगली करता है। ठीक है, लेकिन कोई और अगर बोले तो फिर बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको कि चालाक। ठीक है, हर वक्त चालाकी से काम करना, दूसरों का इस्तेमाल करना, इसको अच्छी तरह से आता है। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके ऊपर किसी बात को लेकर नाराज़ है। ओके, यहाँ पर लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, और देखते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि या तो आप दोनों के बीच में नोकझोंक चल रही है। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे, देखो यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि या तो पास्ट में कुछ झगड़े हुए हैं। ठीक है, या तो आपके किसी बात पर यह इंसान बहुत नाराज़ है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इसको बहुत डर लगता है, आपके सामने आने से डर लगता है इसको। ठीक है, आपसे बात करने से इसको डर लगता है। इसको पता है कि अगर इसने कुछ गलतियाँ की है तो आप इसको अब माफ़ नहीं करने वाले। ठीक है, ये जानता है या जानती है, जो भी है ये बहुत भली भांति जानती है कि अगर इसने कुछ गलतियाँ की है तो आप इसको माफ़ नहीं करने वाले। ठीक है, और इस वजह से ये आपके सामने आने से डरती है या डरता है। ठीक है, और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि इसको पता है कि अब उसकी खैर नहीं। ठीक है, अगर इसने कुछ गलतियाँ की है, आपको ब्लेम किया है, आपको परेशान किया है, तो अब इसकी खैर नहीं, ये खुद भी जानती है। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी आने वाली है। यहाँ पर एरीज लिवो सजिटस हैं, यहाँ पर लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है। ये जो कोई भी व्यक्ति है लगातार लगातार आपके ऊपर नज़र रखती है। ठीक है, लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखना, मतलब इसको नींद नहीं आती जब तक ये आपके ऊपर नज़र नहीं रखती, इसको नींद नहीं आती। ठीक है, या तो खुद रखती है या किसी और के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखी जाती है। ठीक है, और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में तो इसको बहुत ज़्यादा नाक घुसेड़ना है, इसको बहुत बहुत इंटरेस्ट है लोगों की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की, और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है, ऐसी व्यक्ति ये है। और देखते हैं जिस तरह से आप एनर्जाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई इसकी विश थी, कोई सपना था जो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, और जैसे कि ये किसी और को, ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, पता नहीं ये कितनों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि ये इंसान दूसरों की खुशी नहीं देख सकता, या दूसरों की खुशियों में इसको खुशी होती नहीं है। कोई और खुश होता तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। कोई और अगर सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, अगर उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी सफलता अगर उसको मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको कि अंदर ही अंदर जलना शुरू हो जाता है। बहुत जलता है दूसरों के ऊपर, या बहुत जलती है इसकी दूसरों के ऊपर, किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती या देख सकता। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि दी वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है,
इसने आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक किया है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि ये बहुत मतलब मे बी यहाँ पर जो नजर जा रही है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि ये पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से आपको स्टॉक कर रही थी ये व्यक्ति जो भी है। और बोलती क्या है, मैं तो उसको जानती नहीं, मैं तो उसको पहचानती नहीं, और हर दिन आपके बारे में सोचना, आपको स्टॉक करना, ये इसका सब कुछ चल रहा था। मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि एक ऐसी व्यक्ति है जो दुनिया के सामने कुछ और दिखाती है और वो है कुछ और, ठीक है। दी वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर रिवर्स आई है। पहले तो इस इंसान को डर लगता है आपके सामने आने से, कि आपने जो दर्द, जो पीड़ा इसकी वजह से बर्दाश्त की है, इसकी वजह से आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम हुए हैं। देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि ना कि आपका सिर्फ इमोशनल लॉस हुआ है, तो बहुत मतलब किसी किसी के लिए फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, किसी किसी के लिए आपके जो सपने थे सारे चकनाचूर हो गए इस व्यक्ति की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, आपके सपने चूर चूर हो गए, आपका इमोशनल लॉस हुआ, आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ, मे बी किसी किसी के लिए आप डिप्रेशन में भी चले गए। इतना ज़्यादा परेशान करना या इतना ज़्यादा इसने ऐसे खेल खेले कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ठीक है। और अब ये इंसान आपके सामने से अभी भी डरता है आपके सामने आने से। मे बी कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपने चैलेंज किया होगा इसको, ओपन चैलेंज किया है आपने इसको कि तू सामने आकर बात कर, फेस टू फेस बात कर, लेकिन इसमें इतना दम नहीं, इसमें इतनी ताकत नहीं कि वो आपके सामने फेस टू फेस बात करे, ठीक है। इसने बहुत तकलीफ दी है आपको, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस आपका हुआ है और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जानता है। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी ही एनर्जी है कि ये वही व्यक्ति है, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और ऊपर से ये अपनी चलाता है, ठीक है। लेकिन अब आप और बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि अब इसको ईंट का जवाब पत्थर देना चाहते हो, अब आप इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो, और आप इसको मिलना भी चाहते हो फेस टू फेस। इसकी इतनी ताकत नहीं कि ये आपसे मिले, इतनी गलतियाँ इसने कर दी है, इतना लॉस आपका कर दिया, इतना टेंशन, इतना मेंटल पेन इसने आपको दिया है कि यहाँ पर कुछ लोग है कि आपने अपनी ज़िंदगी के कई दिन, ठीक है, मतलब 2 महीने, किसी किसी के लिए 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप डिप्रेशन में रहे हो इसकी वजह से, ठीक है। इसने इतना मेंटल पेन दिया है आपको, ठीक है, और इतना ज़्यादा लॉस कर दिया आपका, और लगातार आपके ऊपर नज़र रखना, किसी किसी के लिए छुप छुप कर आपके ऊपर नज़र रखना, आपका पीछा करना, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है और अब आप चाहते हो कि इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन आज यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि अब आप चुप नहीं बैठने वाले, अब आपसे ये दर्द, ये तकलीफ, ये जो पेन इसने दिया है, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि इसने आपको ब्लॉक करके रखा है, हो सकता है कि ये अपने नंबर से आपको कॉल नहीं करता है, जब बात भी करता है तो दूसरों के नंबर से करता है, ठीक है। किसी किसी के लिए तो फेक कॉल फेक मैसेज भी करता है, आपको बहुत परेशान कर दिया इसने आपको फेक कॉल फेक मैसेज कर करके, और अब आप इसको माफ़ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने जो तकलीफ, जो पीड़ा सही है, आपके जो सपने चूर चूर हो गए, मतलब इतना ज़्यादा पेन आपने जो सहा है, और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि कोई किसी की ज़िंदगी बर्बाद करे, किसी को कोई अधिकार नहीं कि वो किसी को इतना मेंटल पेन दे कि सामने वाला डिप्रेशन में जाए। इतना मेंटल पेन किसी को देने का किसी को अधिकार नहीं है, और हो सकता है कि इसने आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पेन दिया है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जा रही है, और आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, ठीक है। लेकिन आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, जिसके कर्मों की सज़ा उसको मिलकर रहेगी, चाहे आप इसको सज़ा ना दे, लेकिन यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड है ही ऐसा, यहाँ पर जो दोगे वही लौट कर तुम्हारे पास आएगा, तो इसने जो दिया है वही लौट कर इसके पास भी जाएगा, ये तय है, ठीक है। ये तय हो चुका है कि इसने जो दिया है वही इसके पास लौट कर तो जाएगा, कुछ नहीं मिस होने वाला, ठीक है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होने वाली, एक एक बात का पूरा पूरा हिसाब होगा, ठीक है। यूनिवर्स पूरा पूरा हिसाब करेंगे एक एक बात का, आपकी आंखों में जो आंसू इसने दिए हैं, ठीक है,
आपकी आंखों में जो इसने आंसू दिए हैं उस एक एक आंसू का हिसाब होगा, पूरा पूरा हिसाब होगा, कुछ भी मिस नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब किसी की जिंदगी कोई खेल कैसे समझ सकता है? कोई भी आपको परेशान करे, आपको डिप्रेशन में डाल दे, आपकी जिंदगी बर्बाद करे, आपको परेशान करे। देखते हैं द वर्ल्ड के नजर यहाँ पर रिवर्स आई है। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके सारे सपने से चकनाचूर कर दिए, सारे सपने टूट गए आपके इसकी वजह से। और मुझे ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी है स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आजकल आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो और आपको जाना भी चाहिए। आपका जो मेंटल पेन इसने दिया है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति ने जो आपको परेशान किया है, जो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आप पास्ट में थे, उसमें से अगर बाहर निकलना है तो एक ही उपाय है आपके पास। ठीक है, और ये व्यक्ति जो कोई भी है, ये कितना भी कुछ कर ले, कितने भी पूजा पाठ कर ले, ठीक है, कितने भी ये पूजा पाठ कर ले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसने जो दिया है वो उसके पास लौट कर तो जाएगा, पूरा पूरा हिसाब होगा, पूरा हिसाब होगा। कितने भी पूजा पाठ कर ले, अब कोई फायदा नहीं है, पूरा हिसाब होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जी है स्पिरिचुअल ग्रोथ है, और निकालते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको माँ लक्ष्मी की कृपा। ठीक है, आपके ऊपर बनी रहेगी सदैव, टेंशन नहीं लेनी है आपको, परेशान नहीं होना है। जिसने भी आपका लॉस किया है, जिसने भी आपको मेंटल पेन दिया है, वो उसका भुगतान करने वाली है या करने वाला है। ठीक है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि एक सुकून सा फील करते हो। ठीक है, और हो सकता है कि आप किसी शक्ति को मानते हो। हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर ऐसे कि आप किसी भगवान में मानते हो, उनमें बहुत श्रद्धा रखते हो आप। ठीक है, बहुत मिसगाइड, देखो कैसी बुरी शक्ति आती है यहाँ पर, कैसे मिसगाइड कर रही है बुरी शक्ति। देखते हैं और क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। मनी, यहाँ पर मनी से जुड़ा कोई इश्यू हो सकता है आपके लाइफ में। ठीक है, और बॉटम में यहाँ पर फ्रेंडशिप है। जिस तरह से आप एनर्जी है ना गाइस, आपको कभी भी हार नहीं माननी है। ठीक है, यहाँ पर आज बहुत लोग ऐसे ही है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं किसी और की वजह से। ठीक है, किसी और की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में हो, या कोई जलने वाले, कोई हेटर्स परेशानी में डालते हैं आपको, बेवजह आपको परेशान किया जाता है, और आपको हिम्मत नहीं हारनी है, डट के सामना करना है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मुसीबत है, उसका डट के सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है कि जस्टिस की एनर्जी है। अगर आप पूरी हिम्मत के साथ लड़ते हो, ठीक है, पूरी हिम्मत के साथ अगर आप लड़ते हो तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। ईश्वर आपके साथ है, आपने किसी का बुरा नहीं किया तो ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, और जस्टिस आपको मिलने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी डेफिनेटली कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ जॉब को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, किसी के साथ रिजल्ट होगा, कोई ऐसी टेंशन हो सकती है जो फाइनेंस से जुड़ी है। यहाँ पर एक आउल दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर भी एक आउल है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत गहराई से सोचना है। यहाँ पर बटरफ्लाई भी दिखाई दे रही है, देखो बटरफ्लाई है, आउल है। ठीक है, एक तो हो सकता है कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, दूसरी बात आपके साथ लोग लॉयल नहीं हैं। जो भी आपके लाइफ में आता है आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा लेता है या उठा लेती है। ठीक है, और आपको एक होपलेस एंड हेल्पलेस सा फील करने लगते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बहुत जल्द आपको कोई ऐसा ज़रिया मिलेगा जहाँ पर आप अपने आप को सक्सेसफुल होता हुआ देखोगे। जो भी मनी इशू है उसमें से आप बाहर निकलोगे, अबंडेंस आपके लाइफ में आएगी। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो बहुत जल्द आपको जॉब मिलने वाली है। और जिस तरह से अपना जो है किसी को कोई जैसी अनाउंसमेंट, ठीक है, हो सकता है कोई गुड न्यूज़, कोई ऐसी अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। देखो यहाँ पर आउल है और उसके मुंह में देखो ये क्या है,
देखो यहाँ पर आउल जो बना है, ठीक है, जैसे कि कोई अनाउंसमेंट हो रही है, ओके। और जिस तरह से अपना जो है, जो लोग आपके साथ लॉयल नहीं है, अब उनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप में बहुत क्रिएटिविटी है, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हो तो कुछ खास आप अचीव कर सकते हो, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो ट्रस्ट करना होगा आपको, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, ये देखो स्पिरिचुअल गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको कम पड़ रही है, और स्पिरिचुअल गाइडेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, देखो यहाँ पर ओम दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और जो भी फाइनेंस से जुड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली अब दूर होने वाला है, ठीक है। एक पावरफुल और बहुत ही अबंडेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है, हारमोनी दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी किसी को घर से जुड़ा कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो वो भी दूर होने वाला है, ठीक है। पावरफुल एनर्जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसी एनर्जी है, टाइगर, ठीक है। हार नहीं माननी है आपको, हार तो आपको नहीं माननी है चाहे जो हो जाए। और यहाँ पर बॉटम में फ्रेंडशिप, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिससे आपने प्यार किया हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर जो एनर्जी आई है आज, यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इस इंसान ने आपका लॉस कर दिया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते कि इसने आपको जैसे खो दिया है, ठीक है, या आपने इसको खो दिया है, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि जैसे कि लॉस, ठीक है, इस रिश्ते में फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, कोई भी ऐसा लॉस जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ठीक है। तो जिस तरह से आप एनर्जी आई है, फ्रेंडशिप है यहाँ पर, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नया फ्रेंड आए जो आपको हिम्मत दे, ठीक है, जो आपको हिम्मत से लड़ने के लिए, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हिम्मत दे सकता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा फ्रेंड है तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो आपका वेलविशर है, ठीक है। ऐसे किसी फ्रेंड के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, या बहुत जल्द आपके लाइफ में कोई नया फ्रेंड आने वाला है जो कि आपको हिम्मत देगा, साथ देगा आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उससे लड़ने के लिए, ठीक है। ये फ्रेंड या तो आएंगे आपके लाइफ में या तो आप बना सकते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।